नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल गुप्ता है। मैं स्वास्तिक मेडिकल सेंटर वसुंधरा गाजियाबाद में कंसल्टेंट फिजिशियन एवं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो डायबिटीज़ एक ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ बन चुका है। इंडिया में हमारे 11 पुरुषों में से एक पुरुष को डायबिटीज़ है और धीरे धीरे 2025 तक ये माना जा रहा है कि हर 5 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ होगी। डायबिटीज़ एक गंभीर समस्या है जो धीरे धीरे सभी अंगों को विकार कर देती है, नसों को ब्लॉक करती है। जितने भी हार्ट अटैक या जितने भी ब्रेन स्ट्रोक या किडनी प्रॉब्लम है उनके पीछे मुख्यतः डायबिटीज़ का होना माना जाता है। अगर हम बात करते हैं तो डायबिटीज़ दो तरह की होती है, मुख्यतः एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसका रेशियो ज़्यादा होता है। 80-90% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। अगर आप अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से चलाते हैं, अगर आप अपने खाने पीने पर परहेज करते हैं, अगर आप डेली आधे से एक घंटा के बीच में आप सैर करते हैं, तो आप बहुत उम्मीद है कि आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ में डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक आम स्वस्थ एक एडल्ट को कम से कम 1600 से 1800 किलो कैलोरीज की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए, एक साथ बहुत सारा नहीं खाना चाहिए। आपको प्रतिदिन 3 स्नैक्स और 3 प्रॉपर मील की ज़रूरत होती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जैसे हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा आलू या अरबी या शकरकंदी या चावल, चाहे वो मांड वाला हो चाहे बिना मांड वाला हो, इन सबसे दूरी बनाए रखनी होगी। ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग ज़्यादा करिए। अगर आपके किडनी फंक्शंस ठीक हैं तो आपको प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार का प्रोटीन, चाहे वो दालों में हो, चाहे सोयाबीन में हो, चाहे पनीर में हो, चाहे वो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ड्राई या रोस्टेड नॉन वेजिटेरियन डाइट भी ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बस ये है कि आपको ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना, मीन्स अपनी डाइट को हर स्प्लिट करेंगे, हर 2 से 2.5 घंटे में आपको कुछ कुछ लेना है। ध्यान रखिएगा क्योंकि डायबिटीज़ में बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाती है। इस वजह से जितने भी डायबिटिक्स होते हैं वो अपना वेट लॉस होना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपका डाइट प्रॉपर लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी दवाइयाँ आपको देते हैं वो भी थोड़ा सा वेट लॉस करती हैं। अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे तो आप अंडर वेट हो जाएंगे और दवाइयाँ आपको नुकसान करेंगी।